हालेलुया। लुका 7 उसकी 11 से 17 आयत को मैं पढ़ूंगा और आप स्क्रीन पर भी उसे देख सकते हैं। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया और उसके चेले और उसकी बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। और उसके पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर बड़ा भय छा गया और वो परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। ये वचन का पढ़ा सुना माना जाना आपकी बरकत का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह बाइबल कहती है, नाइन नामक एक नगर को गए और वहां गेट से जब वो अंदर जा रहे थे तो एक मुर्दे को लोग बाहर लेके आ रहे थे। अपनी माँ का वो एक लौता था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। बाइबल कहती है, क्यों जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए। ये सारी चीजें जितनी बाइबल में लिखी हैं इनका एक महत्व है। नाइन नगर का मतलब है, नाइन का मतलब है NAIN। हाँ, इस नगर का मतलब था प्लेजेंट प्लेस, खुशनुमा प्लेस, खुशनुमा स्थान। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं और बोलते हैं बड़ा खुशनुमा स्थान है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। नाइन का मतलब है प्लेजेंट प्लेस, बड़ा अच्छा स्थान। और बाइबल कहती है एक अच्छे स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही थी, और वो भी अर्थी किसकी, विधवा के एक लौते बेटे की अर्थी बाहर आ रही थी। और ये एक नॉनसेंस थी जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आई। जो नाइन नामक शहर है वो नहन नाम से निकला था जिसका मतलब था प्लेजेंट प्लेस, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बड़ा मन भावना स्थान। एक मन भावने स्थान के से एक अर्थी आ रही थी और वो भी एक विधवा की, और दूसरी बात वो विधवा का भी वो एक लौता बेटा था। एक मन भावने स्थान से एक ट्रेजेडी बाहर आ रही थी, और जब यीशु मसीह ने उसे देखा और यीशु मसीह ने जब उसे चेक किया, कहा कि इस मुर्दे को मेरे पास ले आओ, अर्थी को छुआ और कहा उठ जा, बाइबल कहती मुर्दा उठने लगा। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे इसलिए दी गई ताकि वो लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। जब सुसमाचार प्रचार का हम जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब पास्टर लोग जो ये जिक्र कर रहे हैं इनका मतलब क्रिश्चियन या ईसाई बनाना या धर्म परिवर्तन करना है, इसीलिए वो चीजों को समझ नहीं पाते। क्यों अब तक किसी क्रिश्चियन ने किसी धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, कभी किसी देश के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, यहां तक कि किसी खालिस्तान या किसी भी चीज के खिलाफ उन्होंने कभी किसी चीज के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। क्योंकि उनका मकसद जो है वो शारीरिक नहीं है, ना ही उनका युद्ध जो है वो शारीरिक है। बाइबल कहती क्रिश्चियन अपने देश के लिए हमेशा आशीष का कारण होते हैं। वो जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं। उनका मकसद सुसमाचार को लेके जाना है। अब यहां पर किसी धर्म का जिक्र नहीं हुआ, एक नॉनसेंस हो रही थी कि एक शहर जो अपने आप को प्लेजेंट प्लेस बताता था, खुशनुमा स्थान बताता था, वहां पर एक विधवा का एक लौता बेटा वो भी मर गया और वो बाहर आ रहा था। जब यीशु मसीह के सामने ऐसी नॉनसेंस होती है तो यीशु मसीह उस नॉनसेंस को टेस्टिमनी में चेंज कर देते हैं। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि नाइन नगर से, खुशनुमा नगर से एक विधवा के एक लौते बेटे की लाश बाहर आ रही है, ये मैं होने नहीं दे सकता। और बाइबल कहती जब उसने अर्थी को छुआ और कहा उठ जा, अराइज, तो बाइबल कहती मुर्दा उठ गया और बोलने लगा और सब पर बड़ा भय छा गया। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, जो यहां पर यीशु मसीह ने किया आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। कि नाम क्या है, नाम है अमीर दास लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं। नाम क्या है, नाम है जी बंजर ठेकेदार पर दिहाड़ी तक को काम नहीं है। नाम क्या है, नाम जो भी है
जिंदगी नाम के उलट हो चुकी है। नाम कुछ भी है, जिंदगी नाम के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी। जो नाम बंदे का है, जिंदगी उसके टोटल खिलाफ, उसके रिजल्ट लाइफ के टोटल खिलाफ चल रहे हैं। ये खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। इसलिए उसने कहा, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिलाने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं और उन्हें छुड़ा सकूं। यही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए। मेरी लाइफ में एक नॉनसेंस थी, क्या कि जवान लेकिन नशों में, मेंटली अपसेट, मेंटली अटैक के दौरे पड़ते हैं, वैसे जवान एक शैतान का ये एक नॉनसेंस थी। हाँ, वैसे शादीशुदा लेकिन उस बहन के बच्चे नहीं हो रहे, गर्भ में रसौलियां हैं, जबकि परमेश्वर कहता है इंसान को बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बोला, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ये खुदा की इच्छा है कि हम फूले और फले और पृथ्वी में भरें, लेकिन शैतान की इच्छा ये है कि वो मारे और घात करे और नष्ट करे आपके गर्भ को, आपके फल को, आपके फाइनेंस को। कि बंदा तो बहुत बड़ा लिखा है जी, उसने जो बीएड की है जी, उसने पीएचडी की है, पर अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है, बाइबल कहती है दुनिया पे कोई भी जन आपकी नॉनसेंस खत्म नहीं कर सकता। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपकी नॉनसेंस के लिए क्रूस उठाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहां मैं आऊंगा वहां नॉनसेंस खत्म हो जाएगी। लोग खत्म कर सकते हैं टेम्परेरी, जब यीशु मसीह खत्म करेंगे तो पीढ़ियों तक करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं, अगर आमीन हो चाहते, बरकत आपकी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। जब उन्होंने नॉनसेंस को होते हुए देखा कि ये क्या नॉनसेंस है, कि एक प्लेजेंट प्लेस से, खुशनुमा जगह से एक ऑलरेडी विधवा, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मैं विधवाओं और अनाथों का पिता हूं, मैं विधवाओं और अनाथों की सुधि लेता हूं, मैं उनका केस लड़ता हूं। अगर तुमने बर्बाद होना हो अपनी लाइफ में, तो विधवाओं और अनाथों को जाकर कलेश देना शुरू कर दो, तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा इनका केस लड़ता है, यहोवा इनका मुकदमा लड़ता है, वो विधवाओं के आंसुओं को देखता है और वो अनाथों का पिता बन के उनके साथ रहता है। जब यीशु मसीह ने देखा यहोवा के वचन को कि शैतान ने एक विधवा के एक लौते पुत्र को भी खत्म कर दिया, एक नॉनसेंस क्रिएट कर दी, एक चुरा लिया, घात कर दिया, नष्ट कर दिया, तो बाइबल कहती चोर चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहते मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। सिर्फ यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा ही नहीं किया होगा, अगर उसके अंदर पाप भी होंगे, उसके अंदर नशा भी होगा, अगर व्यभिचार भी होगा, वो भी उसने खत्म किया होगा, विधवा की कमियों को भी खत्म किया होगा, जीवन तो दिया ही होगा, बहुतायत का जीवन दिया होगा। जब वो जी उठा होगा पाप के खत्म होने के कारण, अब वो फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड होगा। जिस कारण उसकी मौत हुई, वो बीमारी हो या कुछ भी हो, वो भी उसकी जिंदगी से चली गई होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। कभी मत डरना सुसमाचार देने के लिए, अपने पड़ोसियों को, अपने गांवों को, अपने नगरों को कभी मत डरना, सुसमाचार देते रहना, क्योंकि तुम धर्म का नहीं, जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार दे रहे हो, जो नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आया, और यह प्रचार होता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह नॉनसेंस को देखते रहें और कुछ ना करें और बोल दें कि नहीं, तुमने कुछ ऐसे कर्म किए इसलिए तुम नॉनसेंस को सह रहे हो। बाइबल ऐसे कर्मों को नहीं मानती। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल कहती है तुम जीवित परमेश्वर की संतान हो, तुम मांगोगे तो परमेश्वर देगा, तुम खटखटाओगे तो परमेश्वर खोल देगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम के लिए मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। आमेन। इसलिए जब एक सिस्टर चर्च में आती है, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसे फ्रूटफुल होने के लिए बोला है, लेकिन शादी के बाद भी बेबी नहीं, ये एक नॉनसेंस है। आप उस नॉनसेंस के खिलाफ लड़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं मेरी जिंदगी में आइए और इस नॉनसेंस को खत्म करिए। आप एक वेल टैलेंटेड मैन हैं, आदमी हैं,
लेकिन आपका बिजनेस सेट नहीं, आपकी आपसे कम टैलेंटेड लोग सेट हैं, आप सेट नहीं, ये एक नॉनसेंस है। जब नॉनसेंस आपकी फैमिली में हो, जब घर के जवान लोग जिन्होंने अगुवाई करनी है, आपके घर का खर्चा उठाना है, घर से सिलेंडर चोरी करने लगे नशे के लिए, ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है नॉनसेंस को खत्म करने में एक्सपर्ट हैं यीशु मसीह, इसके एक्सपर्ट हैं वो। जीसस का प्रचार करो घर घर में, नॉनसेंस खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए मेरे को, हालेलुया। यीशु मसीह को तरस आया, वो तरस करता है जब आप लोग बीमार होते हैं, वो तरस खाता है जब आप लोग दुखी होते हैं, जब आप लोग नॉनसेंस से होकर गुजरते हैं, वो दुखी होता है, वो तरस खाता है आप लोगों के ऊपर। और बाइबल कहती जब उसका यीशु मसीह के साथ सामना हुआ तो यीशु मसीह ने उसे सेम नहीं रहने दिया। बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में नॉनसेंस घट जाती है क्योंकि उनका जीसस क्राइस्ट के साथ कभी भी सामना नहीं होता, उनकी लाइफ में वो ट्रेजेडी बन के रह जाती है क्योंकि यीशु मसीह के साथ कभी सामना नहीं हुआ। आपका सामना हो चुका है यीशु मसीह के साथ, वो आपके अंदर है, वो आपके पास खड़ा है परमेश्वर, वो आपकी सारी नॉनसेंस को खत्म कर देगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, सारी नॉनसेंस का खत्म होने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। यीशु मसीह नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। एक विधवा का एक लौता बेटा मर जाए और यीशु मसीह कहते ये क्या नॉनसेंस है, वो पहले ही विधवा है, उसका एक लौता बेटा है, वो भी मर गया और वो भी प्लेजेंट नगर में, खुशनुमा नगर में, अच्छे स्थान में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए सुसमाचार देता हूं कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमेन। जब कोई चर्च में एंटर करता है क्यों उसका विरोध होना शुरू होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप छुड़ाए जाएं, वो नहीं चाहता आपकी जिंदगी में नॉनसेंस खत्म हो, वो ये चाहता है हम लड़ते रहें, झगड़ते रहें इन चक्रों में और अपनी नॉनसेंस को संभाल के रखें, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं कि उसका काम जो है वो खत्म किया जाए। जब एक व्यक्ति चर्च में आता और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसका धर्म नहीं बदलता बल्कि उसकी जिंदगियों से जो शैतानी आत्मा होता है, जो कर्स होते हैं, जो श्राप होते हैं, जो नॉनसेंस शैतान ने डाली होती है। और शैतान कौन, लूसीफर नाम का एक ऐसा स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने ही बनाया और जो गिर गया ये बोलकर कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर से भी ऊंची पदवी को ग्रहण करूंगा और परमेश्वर के समान राज करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है वो गिराया गया और उसके साथ जो दूत उसके साथ सहमत थे वो भी गिराए गए, जो आज धरती के ऊपर काम करते हैं परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध। आपको परमेश्वर दूर लेके जाना चाहते हैं नशों से, लोगों को बीमारियां देने वाला वही है, संकट देने वाला वही है, मेंटली अपसेट करने वाला वही है, क्योंकि वो सब चीजें आदम के गिरने से धरती के ऊपर आई कि शैतान ने और मृत्यु ने राज किया। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान के सारे काम आपकी जिंदगियों से खत्म हो। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर जितनी नॉनसेंस है फिनिश हो जाए, बच्चों के ऊपर जितनी नॉनसेंस है फिनिश हो जाए, सेहत के ऊपर जितनी नॉनसेंस है फिनिश हो जाए। आमीन ऊंचा खड़कने वाला चाहिए, आमीन। आप बिलीव करते हैं यीशु मसीह आपकी नॉनसेंस खत्म करेंगे, आप विश्वास करते हैं क्या? आपको उसके पीछे चलना होगा। आमीन। पीछे चलना होगा जब वो आपकी सुन रहा है तब भी, और जब वो आपको लगता है नहीं सुन रहा तब भी, जब वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है आपको लगता है तब भी, जब आपको लगता है वो नहीं दे रहा तब भी, आपको पीछे चलना होगा। ऐसी टेस्टमनी से हमें सीख लेने की जरूरत है। ये एक सिस्टर जो चर्च में आती है सिर्फ टेस्टमनी सुन के, पहले क्रिश्चियन नहीं है, किसी ने चर्च के बारे में बताया, आना शुरू हुए चर्च में, मैं आपको मालूम है मिल नहीं होता जिस तरीके का काम परमेश्वर ने, जिस तरीके का विजन मुझे दिया है, चर्च आते रहे क्योंकि आपका आपके मेंटर स्पिरिचुअल फादर को मिलना जरूरी नहीं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। आपका परमेश्वर के घर में लगे होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आप लग के परमेश्वर के घर में नहीं लग सकते, ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो कहीं बर्फ के स्थान में बैठे हैं, जहां 6-6 फुट बर्फ पड़ी, जहां 200-200 किलोमीटर कोई चर्च नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। और जब आपको ये बात मालूम होती है कि जीसस क्राइस्ट मेरे नॉनसेंस को फिनिश करने के लिए आए हैं,
जब वो सिस्टर चर्च में एंटर करती है, सुनती है लगातार एक साल, दो साल, तीन साल, और जब आप विश्वास कर लेते कि कोई व्यक्ति तीन चार साल चर्च नहीं आ सकता अगर वो सिर्फ हीलिंग के लिए आ रहा है, अगर वो सिर्फ चंगाई के लिए आ रहा है, वो एक दो हफ्ते, तीन हफ्ते, सात हफ्ते आएगा, उसके बाद बोलेगा कि हाँ हो गई है, या अगर नहीं हुई तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार चर्च में आ रहा है, उसको ये बात मालूम हो चुकी है कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर है, मैंने स्वर्ग जाना है, मैंने स्वर्ग की सीट को पक्का करना है, मैंने शैतान के काम को नहीं करना, अब मैं परमेश्वर में चलूंगा, मैं उस व्यभिचार में, उस शैतान के उस नशे में, मैं उस गलत कामों में मैं नहीं घुसूंगा, तो बाइबल कहती है जब आप उद्धार पा लेते हैं तो यीशु मसीह आपकी लाइफ की नॉनसेंस को फिनिश करना शुरू करते हैं। डे बाय डे आप अपनी जिंदगी में एक उद्धार को, बाइबल कहती है भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में कि वो तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाएगा। वहां लिखा है हिंदी में उद्धार का दर्शन, लेकिन इंग्लिश में लिखा ही विल शो यू हिज सॉल्वेशन, कि वो तुम्हें अपना उद्धार दिखाएगा। जिसका मतलब ये है कि जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जिसका मतलब है यशब, यशब का मतलब है बैठे रहना, जिसका मतलब है कि जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया एक विश्वासी होने का, वो स्थान आपने नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे चंगाई नहीं मिली, आपने नहीं छोड़ा कि आपको बरकत नहीं मिली, आपने वो स्थान नहीं छोड़ा क्योंकि चार रिश्तेदार आए माहौल देख के कि भाई साहब अब चर्च मत जाना, माहौल खराब है। आपने कुछ नहीं किया, आप यीशु मसीह के साथ लगे रहे, आप अड़े रहे, आप खड़े रहे। और फिर बाइबल कहती है जब वो अड़े और खड़े आपको देखता है तो कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सिर्फ दीर्घ आयु नहीं दूंगा, मैंने लोगों को देखा है 90 साल की उम्र में भी बुजुर्गों को गालियां निकालते हुए, हर टाइम कलपते हुए, हर टाइम गालियां, हर टाइम कलपते हुए, हर टाइम झिकझिक झिकझिक गाली गलोच, चिढ़ना, कलपना, क्योंकि वो परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। जब परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देगा वो तृप्ति से भरी हुई होगी, संतुष्टि से भरी हुई होगी, आशीष से भरी हुई होगी। और कहता है आई विल शो यू माई सॉल्वेशन, कि मैं तुम्हें अपना उद्धार दिखाऊंगा। मैं तेरे उद्धार का मतलब मैंने आपको बताया था, उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक मुक्ति नहीं है। अगर सिर्फ आत्मिक मुक्ति देना परमेश्वर का काम होता तो बाइबल के अनुसार फिर वो आता और सिर्फ अपना लहू बहाकर चला जाता और उसके लहू से हम मुक्ति को पाते। लेकिन उसके सिर के कांटों का ताज इसलिए डाला गया कि हम डिप्रेशन से फ्री हों, उसको कोड़े इसलिए पड़े बाइबल कहती है उसके मार खाने से ताकि हम चंगे हो सके। बाइबल कहती है जो भी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई वो सारी हमारी चंगाई और हमारी बरकत के लिए थी। इसलिए बाइबल कहती है उस हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, इसलिए उसके मार खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने सिर्फ पापों की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारे जीवन के हर एक हिस्से की चंगाई के लिए भी अपना बलिदान दिया। और बाइबल कहती है जीसस ने कहा आई विल शो यू माई सॉल्वेशन, जब तू मेरे साथ वफादार होगा मैं तुझे अपनी मुक्ति दिखाऊंगा। जैसे कोई बंदा बोलता है ना हूं मैं तेन वखाना मैं की कर सकता, धमकी देता है ना मैं तुझे दिखाता हूं अब, उसी तरह जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई विल शो यू, मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा माई सॉल्वेशन। सॉल्वेशन सिर्फ आत्मिक मुक्ति नहीं, शारीरिक चंगियाई, फाइनेंशियल चंगियाई, बच्चों की चंगियाई, डाइवोर्स से मुक्ति, एक्सीडेंट से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति, हर तरह के उस शैतान के चक्कर से, उस जादू से, उस टोने से, उस डर से, उस डिप्रेशन से मुक्ति। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं डिप्रेशन का आत्मा आपको फॉरन की ब्रांचेस में, अदर ब्रांचेस में, डिप्रेशन की स्पिरिट आपको सदा के लिए छोड़ के जा रही है, आप सदा के लिए फ्री हो रहे हैं आज अभी राइट ना हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं मैं आत्मा में देख रहा हूं यंग लोगों को, यंग लड़कियों को भी इस डिप्रेशन की आत्मा से आजाद होते हुए, क्योंकि आज से आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह होंगे, आप उसके साथ समय को बिताएंगे और आप इस दुष्ट आत्मा से मुक्त हैं। आमीन बोलिए और रिसीव करिए और फ्री हो जाइए। आई विल शो यू माई सॉल्वेशन।
ये परमेश्वर की, जैसे कोई धमकी देता तो ये परमेश्वर की एक कहते हैं ना, एक चैलेंज है तुमको कि जब तू मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, तब भी जब बारिश हो, जब मौसम खराब हो, जब माहौल सही हो, जब माहौल खराब हो, जब कोरोना हो, जब कोरोना ना हो, विरोध हो, जब विरोध ना हो, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश, अगर आप चाइना में जाएं तो वहां पे क्रिश्चियनिटी का बहुत विरोध हुआ, आज भी वहां पे विरोध होता है, और लोग सुबह 5 बजे गुफाओं में इकट्ठे होते हैं, 3 बजे 4 बजे मीटिंग करने के लिए। और 2030 से पहले अमेरिका से भी ज्यादा मसीही लोग चाइना में होंगे। अगर आप हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पिछले अगर आप 10 साल देखेंगे तो बहुत सताव था उनके ऊपर, चर्चों पे अटैक होते थे, सताव होता था। अगर आप अब वहां पे चेक करें तो हजारों लाखों लोगों के क्रूसेड्स होते हैं रोज वहां पे, क्योंकि ये धर्म नहीं, लोगों का मालूम हुआ ये जीवन बदलना है। और जब एक देश के लोगों का जीवन बदलता है तो देश को ही फायदा होता है। जब नशे खत्म होते हैं, अपराध खत्म होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कत्ल कर दिया, खून कर दिया, और जब खून किया तो उसके बाद वो जेल में चला गया, जब जेल में गया तो उसके घर वालों ने उसे प्रीच किया कि हम यीशु मसीह के बारे में, उनको उसकी फैमिली को थोड़ा थोड़ा पता था, उसके रिश्तेदार प्रभु में थे। जब उसको प्रीच किया गया, उसको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलते हैं और तुझे जीवन बदलना है, और उसने जेल में परमेश्वर को ग्रहण किया। और जब वो पैरोल के ऊपर बाहर आया, वो जो मर्डर करके अंदर गया था, वो मुझे मिल के गया। आज वो पास्टर है, शायद सेवा करता है जेल के अंदर, एक मर्डरर, जो मर्डरर था, जो कत्ल करने वाला था। और ऐसा व्यक्ति था वो, इतना लंबा चौड़ा, वो कद का मुझसे भी शायद एक आध इंच लंबा है। वो कत्ल करने के लिए सोचते नहीं थे, देखा अच्छा नहीं मिलती, ठा चल तेरी 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 ठा चल, ऐसे कत्ल करता था वो। और जब जेल के अंदर गया, वचन सुना, आज वो फॉलो करता है, शायद अभी भी मुझे जेल में देख रहा हो मीटिंग को, और वहां पे मीटिंग्स चलती हैं। कितनी जेल्स हैं जहां पे लोगों ने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। अब जब वो बाहर आते हैं, वो अब गैंगस्टर नहीं है, अब वो कत्ल करने वाले नहीं है, क्योंकि एक कत्ल करने वाला, कत्ल करने वाले के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर कई तरह के श्राप रहते हैं, कई तरह की चीजें शैतान करता है उनकी लाइफ में। और जब परमेश्वर उनको सेव करता है, क्योंकि खुदाबंद उनसे प्यार करता है, वो पापियों से नफरत करने के लिए नहीं आया, वो उनसे प्यार करने के लिए आया। और जब वो व्यक्ति मुझे मिल के गया और उसने मुझे बताया कि किस तरह जेल में मैंने वचन को सुना और मैंने ऑनलाइन फॉलो किया चर्च को, और आज परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, आज मैं सुधर चुका हूं, और कभी कभी वो जो जेल से बाहर आता है मुझे मिलके जाता है। इस तरह से परमेश्वर जेलों में भी काम कर रहा है, क्योंकि वो नॉनसेंस खत्म करने के लिए आया। जवानों का ये काम नहीं है, हमारा काम मारना नहीं, बचाना है। कोई खुदा ने आपको बचाने के लिए पैदा किया है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। आमेन। और इसी तरह से ही यो कहता है, मैं तुझे अपनी साल्वेशन दिखाऊंगा, तेरे पति की जिंदगी में मैं साल्वेशन दिखाऊंगा, तेरे फाइनेंस में मैं मुक्ति को दिखाऊंगा, तेरे घर में मैं मुक्ति को दिखाऊंगा, तेरे शरीर में मैं मुक्ति को दिखाऊंगा। वो दिखाने वाला आपकी लाइफ में, अगर आमीन हो चाहे चर्च, हालेलुया हालेलुया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों प्रभु यीशु मसीह आए? ताकि वो नॉनसेंस खत्म कर सके। एक व्यक्ति का नशे में जाना एक नॉनसेंस है। जिस टाइम उसको फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली के सिलेंडर और फैमिली के बर्तनों को वो बेच रहा है और फैमिली से डिमांड कर रहा है, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च के नशा कर रहा है, ये एक नॉनसेंस है। और इसी नॉनसेंस को शैतान आपकी लाइफ में देता है, और प्रभु यीशु मसीह इसी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आए। आमेन। और जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो जोश जोश में हमारे नशों को नहीं छुड़वाता, वो उसकी तोड़ को खत्म करता है, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। आमेन। अगर उसने हमें नशों से छुड़ाया, वो हमें पेशेंस भी देता है, अपने जैसा स्वभाव भी देता है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी साल्वेशन दिखाऊंगा। साल्वेशन मतलब तुम्हारे घर में भी वो आएगी, तुम्हारे जॉब में वो होगी, तुम फेवर को देखोगे, सब तरफ परमेश्वर तुम्हें अपने उद्धार को दिखाएगा। जब तुम परमेश्वर में अड़े और खड़े रहोगे, जब तुम परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे तो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में
कार्य करते रहो, अपने अपने उद्धार के लिए कार्य करते रहो। आप बोलोगे मेरा उद्धार हो चुका, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने तौबा कर ली है, अब मैं उद्धार के बारे में क्या काम करूं। जीसस क्राइस्ट कहते एक बार बपतिस्मा ले लिया और तौबा कर ली, अब उस जो उद्धार तुमने पाया है उस उद्धार में भी काम करते रहना है, उस पवित्रता को मेंटेन रखना है, उस प्रार्थना को मेंटेन रखना है, उन रोजों को मेंटेन रखना है, उस उद्धार के कार्य को करते रहना है, लोगों को प्रीच करना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, नशों से छुड़ाना है, बीमारियों से आजाद करना है। जब तुम दूसरों की जिंदगी में काम करते हो, मैंने लोगों को देखा है, इज़राइल जो कौम थी मूसा के टाइम के ऊपर, जब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए गया और मूसा ने एक मिस्री को मार दिया ये सोचकर कि इज़राइल लोग मेरा आदर करेंगे कि मैं इब्री हूं, और मैंने देखो मिस्री को मार दिया। और आप जानते हैं जब अगले दिन दो इब्री लड़ रहे थे तो उन मूसा जाके बोलता है कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, वो कहते तुझे हम पर किसने न्याय नियुक्त किया है। इज़राइल कौम की एक आदत थी अपने सेवियर के साथ लड़ने की, और ये आदत आज भी मौजूद है। इज़राइली कौम के अंदर एक आदत थी अपने सेवियर के साथ वो लड़ पड़ते थे। पहले मूसा के साथ वो लड़े और मूसा को जाना पड़ा, और फिर 40 साल बाद आना पड़ा, और फिर लड़ने लगे अब तेरी बात नहीं सुनेंगे। फिर वो यीशु मसीह के साथ लड़े, आज वो अनॉइंटेड लोगों के साथ लड़ते हैं, और जो उनके सेवियर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं नहीं हमें इसकी अगुवाई नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों को पूरी दुनिया से बुला रहा था जो आकर लोगों की अलग अलग दिशा में अगुवाई करें। बोलते नहीं पास्ट में इसने ये गुनाह किया था। जीसस क्राइस्ट उस गुनाह को चाहे याद भी ना हो उसको, और परमेश्वर ने उस बंदे को ब्लेस किया हो, लेकिन कौम कहती है कि उस बंदे ने पास्ट में फलाना गुनाह किया था। इजरायली कौम की यह मूर्खता पहले भी थी और आज भी कहीं कहीं वो कर लेते हैं, और मोस्टली वो उन लोगों के साथ फाइट करते हैं जो उनके सेवियर होते हैं। इसीलिए जो ये सेवकाई में मैं कर पाया, सब नहीं कर पाए, क्योंकि जो मैं देख सकता हूं वो आप लोग नहीं देख पाए। हर बंदा एलन मस्क नहीं बना, हर बंदा बिल गेट नहीं है। क्यों? जो वो देख पाए वो आप नहीं देख पाए। फेसबुक ने देखा, कोई सोशल साइट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है जहां पर लोग अपनी सोशल चीजों को, अपनी फोटोज को, अपने बर्थडे को डालकर सेलिब्रेट कर सके, लोग देख सके। उसने लोगों की जरूरत को देखा और फेसबुक बनाई। आज वो दुनिया के 10वें टॉप 10 अमीरों में एक अमीर है, क्योंकि वो जो वो देख सका वो तुम लोग नहीं देख सके। हर बंदे को सेम पाउंड का, सेम ही वजन का दिमाग परमेश्वर ने दिया है, सेम हार्ट दिया है, सेम किडनी दी है। ये नहीं कि जो फेसबुक का मालिक है उसका दिमाग थोड़ा बड़ा है और हमारा थोड़ा, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो वो देख सका वो तुम नहीं देख सके। जब एक व्यक्ति आपकी अगुवाई करता है और वो अपनी सब दिशाओं में कामयाब है, क्योंकि वो देख सका जो तुम लोग नहीं देख सके, तुम नहीं कर सके। इसीलिए अब जब वो डिसीजन, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं क्योंकि मैं जो अब देख पा रहा हूं वो तुम लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हो, पर फ्यूचर में तुम लोग समझोगे कि मैंने जो देखा था वो सही देखा था। ये मुहावरों की बातें हैं, वही लोग समझेंगे जो समझेंगे। हालेलुया। और मैंने देखा है जो सेवियर होते हैं उन्हीं से कौम लड़ती है, क्योंकि शैतान सेवियर लोगों से, बचाने वाले लोगों से, अगुए लोगों से, जो रियल में अगुए होते हैं उनसे वो नफरत करते हैं। आज मैं वो कर पा रहा हूं जो तुम नहीं कर सके, क्योंकि मैं वो देख पाया जो तुम नहीं देख पाए। बात देखने की है, बात समझने की है कि परमेश्वर क्या चाहता है और आगे क्या है, और मैं आगे देख पा रहा हूं इसलिए मैं उन चीजों को कर रहा हूं। और तुम लोग पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम वो देख नहीं पाए थे, इसलिए आज तुमको उन लोगों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी सेवकाइयों से प्रूफ किया है कि वो देखने वाले लोग हैं, अंधे नहीं। हालेलुया। और मसीह कौम पहले मूसा से लड़ी, जीसस से लड़ी, नबियों से लड़ी, कभी प्रेरितों से लड़ी, आज भी लड़ती है और लड़ती रहेगी,
क्योंकि सेवियर्स के साथ लड़ने की इनकी पुरानी आदत है। तारीफ करो जोर से खुदाबंद की। इसीलिए जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है, जब वो एक जन को खड़ा करता है, जब वो एक प्रेरित को खड़ा करता है, एक दास को खड़ा करता है, तो हमें सिर्फ उसकी सुनना है, क्योंकि वो जो देख पा रहा है वो तुम लोग नहीं देख पा रहे। जिस पहाड़ पर खड़ा होकर वो देख रहा है वो दूर देख रहा है, तुम नीचे जमीन पर खड़े हो तुम्हें दिख नहीं रहा, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी तैयारी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।